ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहा इसराइल? ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा इसराइल? हमले का बटन क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए विख्यात इजराइल के सामने ईरान की चुनौतियों का चट्टान। इजराइल का हर एक सैनिक इस बात के इंतजार में है कि कब नेतन्याहू हमले का आदेश दे। ईरान को जवाब कब देगा इसका इंतजार इजराइल के हर सैनिक को है, लेकिन वह इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अभी तक अमेरिका से ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं मिली है। क्योंकि अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक ईरान पर इजराइल का हमला कैसा होगा और ईरान उस हमले पर कैसा जवाब देगा ये कहना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की हर संभव कोशिश करेगा और उम्मीद है कि दोनों पक्ष तनाव कम करना भी शुरू कर देंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने ये भी दावा किया कि इजराइल में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, यानी अमेरिका की तरफ से एक कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा। अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल ईरान पर हमला ना करे। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से पश्चिम एशिया के समंदर में चारों तरफ नेवी के एक मजबूत बेड़े को भी तैनात किया गया ताकि पश्चिम एशिया में उसका दबदबा और दबाव लगातार बना रहे। शायद ये भी वजह हो सकती है कि इजराइल ने अब तक हमला नहीं बोला। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल जब भी ईरान पर हमला करेगा तो उसे भी उस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान भी भीषण पलटवार करने को तैयार और उस पलटवार का एक मुजाहिरा भी पेश कर चुका है और ईरान के इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल बेकरार है। लेकिन अगर इजराइल ईरान पर पलटवार करता है तो दोनों देशों के बीच जंग तेज होगी और इस युद्ध का अंजाम सालों तक चलता रहेगा, जिसके चलते पश्चिम एशिया समेत विश्व के कई देश प्रभावित हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया के समंदर से यूरोप और अफ्रीका का रास्ता है और अगर पश्चिम एशिया के दो ताकतवर देश आपस में भिड़ जाते हैं तो समंदर के रास्ते पर माहौल खराब रहेगा और तेल व्यापार में मुश्किलें भी आएंगी। इसके साथ ही अगर इजराइल की सेना ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर भी हमले करती है तो एशिया में तेल के दामों का संतुलन बिगड़ सकता है।